नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीव विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर जानेंगे, क्या अंतर होता है। पहले हम अगर इनके नाम की बात करें तो डीएनए का नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर डीएनए में से डी ऑक्सी को हटा देते हैं तो राइबोसोम आरएनए का नाम आ जाता है, जैसे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी इनके फुल फॉर्म या इनके पूरे नाम विस्तारित रूप इनके पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर में। तो आइए अब हम अंतर कर लेते हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर। देखिए, डीएनए के नाम की बात करें तो इसका नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का जो पूरा नाम होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए के जो अणु होते हैं वो दो श्रृंखलाओं के सीढ़ी जैसी रचना में बना होता है और आरएनए में केवल एक श्रृंखला होती है। डीएनए की जो रचना होती है वो लगभग इस प्रकार से होती है और आरएनए की जो रचना होती है वो लगभग में ऐसी होती है। केंद्रक की बात करें, इनकी उपस्थिति की बात करें तो डीएनए कोशिका के केवल केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक में भी पाया जाएगा और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। डीएनए जो अणु होता है उसमें एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन जो चार बेस होते हैं, नाइट्रोजन के बेस उपस्थित होते हैं। और आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी एडिनिन, साइटोसिन तथा नाइट्रोजनस बेस होते हैं, लेकिन थाइमिन की जगह पर आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह पर आरएनए में होता है यूरेसिल। डीएनए में होगा एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, तो आरएनए में क्या होगा, एडिनिन, ग्वानिन और थायमिन के स्थान पर हो जाएगा यूरेसिल और साइटोसिन। ये चारों क्या हैं, नाइट्रोजन के बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। और आरएनए क्या होता है, आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को, सूचनाओं को कैरी करता है, वाहक का काम करता है। और आरएनए अपने कार्य के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, आरएनए और mRNA। इस प्रकार से आरएनए भी कई प्रकार के होते हैं। डीएनए जो अणु होता है वो अपने आप को और आरएनए का निर्माण कर लेता है, यानी डीएनए से डीएनए का निर्माण भी हो जाता है और आरएनए का निर्माण भी हो जाता है, लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता है। डीएनए स्थाई अणु होता है लेकिन आरएनए स्थाई नहीं होता है, इसलिए उसे कह सकते हैं कि आरएनए अस्थाई होता है। एक बार और देख लेते हैं अंतर। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका अणु दो श्रृंखलाओं का सीढ़ी सदृश रचना होती है, इसमें केवल एक श्रृंखला पाई जाती है। इसमें जो शर्करा होती है वो डी ऑक्सी राइबो शर्करा होती है, लेकिन इसमें केवल राइबो शर्करा होती है। इसमें जो डीएनए होगा वो केवल केंद्रक में होगा, लेकिन ये केंद्रक में होने के साथ साथ कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में भी होगा आरएनए। और डीएनए में एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, नाइट्रोजिनस चार बेस होते हैं और आरएनए में चारों बेस होंगे नाइट्रोजिनस के, लेकिन थायमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाता है। और ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, लेकिन आरएनए जेनेटिक सूचनाओं को कैरी करता है, उसका वाहक होता है, कैरियर होता है। डीएनए से डीएनए तथा आरएनए का निर्माण हो जाता है, लेकिन आरएनए में ऐसी कोई बात नहीं होती है।
और डीएनए एक परमानेंट मॉलिक्यूल्स है, जबकि आरएनए ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब हम इनमें अंतर चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रचना दिखाई दे रही है ये है डीएनए। क्या है ये? डीएनए, इसे कहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। तो इसमें बताया गया था कि इसकी जो रचना होती है डीएनए के अणु की, वो कैसी होती है? डबल हेलिक्स में होती है, यानी कि द्विश्रृंखलित होती है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। यानी एक एक लड़ी इस प्रकार से है और फिर एक दूसरी भी लड़ी है, तो ये रचना क्या हो जाती है? डबल हेलिक्स उसमें आ जाता है स्ट्रक्चर में। तो डीएनए की ये रचना हुई, और इसमें जो दिखाई दे रहे हैं ये जो लड़ियां हैं दो, ये नाइट्रोजन का बेस होती हैं, और इनमें जो अन्य बेस, चार बेस जो होते हैं, ये बताए थे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। और कैसा होता है द्वि, इसमें द्वि श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, द्वि श्रृंखलित होता है, यानी कि डबल हेलिक्स में होता है। तो ये डीएनए की मुख्य विशेषता थी। और आरएनए में क्या होता है? आरएनए में सिंगल लड़ी पाई जाती है, एक ही श्रृंखला होती है, सिंगल हेलिक्स में होता है ये। तो इसमें जो पट्टी सी जो दिखाई दे रही है, तो ये किसकी बनी होती है? शुगर फॉस्फेट की बनी होती है ये वाली रचना ये, और इसी पर लगे होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। इसी प्रकार डीएनए में भी होते हैं, और आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, और डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमिन होता है। डीएनए की रचना कैसी होती है? जैसे ये सिंगल श्रृंखला है, सिंगल हेलिक्स है, इसी प्रकार डीएनए में भी एक हेलिक्स और बन जाता है, तो यही रचना हो जाती है डीएनए की। तो ये मुख्य अंतर हो जाएगा कि आरएनए में थायमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, और ये चार नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, और सिंगल श्रृंखलित होगा, और डीएनए कैसा होगा? डबल हेलिक्स में होगा, द्विशाखित होता है। तो ये इनमें मुख्य अंतर था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, परीक्षा की दृष्टि से भी पूछे जाते हैं कभी, इनके पूरे नाम पूछ लिए जाते हैं कि आरएनए का पूरा नाम बताइए, डीएनए का पूरा नाम बताइए, या अंतर पूछ लिए जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक को हम लेकर आए थे, इसी प्रकार हम अन्य टॉपिक को लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।